इस वक्त झारखंड की राजनीति से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जामा विधायक सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया है। खबर आ रही है कि उन्होंने झामुमो का दामन छोड़ दिया है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वह किसी पार्टी में दामन थामने वाली हैं, लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि उन्होंने जेएमएम का साथ छोड़ दिया है। बता दें कि कई महीनों से वह पार्टी से नाराज चल रही थी। जानकारी के मुताबिक उन्होंने मेल के जरिए शिबू सोरेन को अपने इस्तीफे की सूचना दे दी है। बता दें कि झारखंड में लोकसभा और विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। ऐसे में सीता सोरेन के इस्तीफे से झारखंड का सियासी पारा बढ़ गया है। जिस दिन से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, उस दिन से सीता सोरेन के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। चंपई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान भी वह पार्टी से नाराज चल रही थी। मंत्री पद नहीं मिलने से भी वह नाखुश थी। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का नाम सीएम पद के लिए सामने आने पर उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया था। उस वक्त दुमका विधायक बसंत सोरेन ने उनको मनाया था और शपथ ग्रहण कार्यक्रम में लेकर गए थे। कई बार पार्टी के खिलाफ सीता सोरेन ने मोर्चा खोला है। सीता सोरेन दिसोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी हैं। ऐसे समय में जबकि सोरेन परिवार मुसीबतों से घिरा हुआ है, वैसे समय में सीता सोरेन ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। जो जानकारी है उसके मुताबिक सीता सोरेन इस वक्त रांची में नहीं है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वह बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। हालांकि यह तो समय ही तय करेगा कि वह किस ओर जाती है। फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं है।